नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। आपके साथ मैं नम्रता बदिला। एमपी न्यूज़ का स्पेशल जो वायरल दुनिया इस वक्त आप देख रहे हैं, वायरल दुनिया में एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप ये जान पाएंगे कि बच्चों का बौद्धिक विकास होना कितना ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ पढ़ाई ही बच्चों के लिए सब कुछ नहीं होती है, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि किस कदम पर उन्हें किस तरह का एक्शन लेना है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चा, जिसके गले में और कमर में रस्सी बंधी होती है, जब वो लिफ्ट में अपनी दो बहनों के साथ घुसता है लिफ्ट के अंदर, तब लिफ्ट जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तो वो रस्सी भी अचानक से ऊपर की ओर चली जाती है और बच्चे के गले में फंस जाती है। उसी दौरान वहाँ पर खड़ी जो उसके साथ एक लड़की मौजूद थी, उस बच्चे की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 साल की बच्ची है, लेकिन उसने हाल ही एक एक्शन लेते हुए लिफ्ट को डाउन की तरफ लाने के लिए बटन प्रेस किए और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ गई और बच्चे के गले में फंसी रस्सी भी निकल गई। इस वीडियो से हम ये भी सीख सकते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर जो आजकल बनाया जाता है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अव्वल आए, मेरिट लिस्ट में उस बच्चे का नाम आए, और इसीलिए पेरेंट्स द्वारा बच्चे पर पढ़ाई का प्रेशर बनाया जाता है। यानी कि जब बच्चा बाहर खेलने जाता है तो उसे कहा जाता है कि ज़्यादा देर मत खेलना, क्योंकि आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए उस पर प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन ये नहीं जानते कि खेलने से जिस तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है वो होना कितना आवश्यक है, जो कि पढ़ाई करने से भी नहीं हो सकता है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोगों के इस वीडियो को देखकर रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, साथ ही उस बच्ची की चतुराई की बहुत ही तारीफ भी कर रहे हैं। ये वीडियो हमें काफ़ी कुछ सिखाता भी है, जिस तरह से इस बच्ची ने बड़ी ही चतुराई से एक एक्शन उठाते हुए उस बच्ची की जान बचाई है। ऐसा ही एक्शन यदि हर बच्चा उठाए कि उसे किस मौके पर किस तरह की प्रतिक्रिया करनी है, किस मौके पर उसे किस तरह का एक्शन लेना है, वाकई में ये बच्चों के बौद्धिक विकास में बहुत ही कारगर साबित होता है। इसीलिए आजकल सरकार बच्चों का बौद्धिक विकास करने के लिए कई तरह के कदम उठाती आ रही है। आंगनबाड़ियों में भी आजकल बौद्धिक विकास के लिए कई तरह के प्रोटीन वो दिए जाते हैं। वायरल दुनिया में फिलहाल इतना ही। लगातार एक नए वायरल वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे एमपी न्यूज़। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।